टायर चोर पुलिस कार। एक गांव में गजा नाम का टायरों का चोर रहता था। पार्क हुई गाड़ियों के टायर चुराना ही उसका काम था। फिर उन टायरों को चोर बाजार में जाकर बेचता था। उस गांव का एसआई मायानंद बहुत ही ईमानदार था। वो मन का साफ व्यक्ति था। एक दिन गांव का सरपंच पुलिस स्टेशन आया और अरे एसआई साहब, क्या बात है, हमारे गांव वालों ने आपको कई कंप्लेंट दिए हैं कि उनके कारों के टायर चुराए जाते हैं, पर आप लोग कोई एक्शन ही नहीं लेते। क्या अब तक आप लोग ये नहीं पता लगा पाए कि टायरों को चुराता कौन है? मायानंद, देखिए सर, इस गांव में बड़े बड़े चोर और लुटेरे सीना तान कर घूम रहे हैं। मैं ऐसे बड़े बड़े चोरों को पकड़ने के काम में लगा हूँ। और हाँ, आपके घरों में और दुकानों में चोरी ना हो इसके लिए उसकी रखवाली कर रहा हूँ मैं। अब आप ही बताइए, ऐसे टायरों के चोर और घड़ों के चोरों को पकड़ने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है सर? वैसे भी ऐसे चिंदी चोर के वजह से गांव को कोई खास नुकसान नहीं होगा सर। जब वक्त आएगा वो खुद ब खुद हमारे हाथ आ जाएगा। अब आप जा सके सर। एक दिन गजा चोर बाजार में चोरी के टायर बेच रहा था कि तभी कपाली और उसके गुंडे वहां पहुंचे। उसे देखकर चोर बाजार में हर कोई डर के मारे थर थर कांप रहा था। कपाली गजा से, ओ गजा, डरो नहीं, मुझे पता चला है कि तुम लोगों की नजरें बचाकर गाड़ी से टायर यूं गायब कर देते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया मौका देने के लिए आया हूँ। अब से मैं जिस दिन बोलूं उस दिन, जिस वक्त बोलूं उस वक्त पुलिस जीप के दो टायरों को चुराने होंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो एक टायर के 1,00,000 रुपए के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्यों, कर पाओगे ये काम? गजा, क्या टायर का 1,00,000 रुपया? अरे 1,00,000 रुपए पैसे दोगे तो पुलिस जीप का क्या भैया, मैं तो हवाई जहाज के टायर को गायब करके ले आऊं आपके पास। आप मुझे बस एक दिन पहले बता दें, मैं प्लान कर लूंगा। एक दिन कपाली ने गजा को फोन किया। सुनो गजा, कल सवेरे ठीक 9 बजे तुम्हें पुलिस जीप के टायर चुराने होंगे, लेकिन याद रहे उनके पकड़ में नहीं आओगे तुम। अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं लेना, समझे? गजा, अरे इतनी बार कहने की क्या जरूरत है भैया, मैं समझ गया ना। अगले दिन सवेरे गजा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जीप के पहिए उतारने लगा। तभी एसआई मायानंद कांस्टेबल्स के साथ जल्दी जल्दी बाहर आया। जैसे ही वो जीप के पास पहुंचा, उसका फोन बजा। मायानंद फोन पर, बस अभी निकल रहा हूं सर, मैं हूं ना सर, आप मेरा यकीन करें। तभी जीप के दूसरी तरफ गजा दोनों टायर खोलने लगा। उन टायरों को अपने कंधे पर लेकर वहां से दौड़ने लगा। मायानंद और कांस्टेबल्स ये देखकर परेशान हो गए कि उनके जीप के टायर्स गायब थे। एक कांस्टेबल, अब क्या करें सर? मायानंद, भाई तुम लोगों को पुलिस ट्रेनिंग तो याद है ना, चलो दौड़ते हैं, कम ऑन। उस दिन रात को कपाली ने गजा को पैसे दिए और कहा, शाबाश गजा, तुमने तो बड़ी होशियारी से पुलिस वालों की आंखों के सामने ही उनके गाड़ी के टायर निकाल दिए। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा तुम्हें फोन करूंगा, तुम तैयार रहना। ऐसा कहा गजा। मैं नहीं जानता था कि पुलिस जी के टायर इतने महंगे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यूं कपाली के आदेश पर गजा पुलिस जीप के टायर निकालकर वहां से भाग जाता था। कपाली उसे पैसे देता। एक दिन चोर बाजार में एक चप्पलों का चोर गजा से, अरे गजा भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे गांव के एसआई बहुत जल्द सस्पेंड होने वाले हैं? तब गजा, क्या मायानंद भाई सस्पेंड हो रहे हैं? भाई वो तो बहुत नेक इंसान है। चप्पल चोर, यही बात मेरी समझ में नहीं आती, वो बहुत अच्छे आदमी है भाई, हम जैसे चिंदी चोर के पीछे नहीं लगते, बड़े बड़े चोरों को ही पकड़ते हैं। अगर कोई दूसरा एसआई होता तो हम जैसों को जेल में डालकर हमसे भी कमीशन ऐंठता। भाई कुछ भी कहो, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सुनकर गजा भी बहुत दुखी हुआ। अगले दिन गजा पुलिस स्टेशन के खिड़की के पास खड़ा था। अंदर कांस्टेबल एसआई मायानंद से, सर पहले उस टायर के चोर को पकड़ते हैं सर, अब उसी के वजह से आपको सस्पेंशन मिल रहा है। तब मायानंद, ये तो वही बात हुई ना कि कद्दू को छोड़ राई के पीछे दौड़ना। अरे भाई, हमें उस चंदन लकड़ी को चुराने वाले कपाली को पकड़ना चाहिए, उसे छोड़कर ये टायर चुराने वाले के पीछे भागना, ये क्या मतलब हुआ? भाई जब भी हम उस कपाली को पकड़ने जंगल की ओर जाने लगते हैं, तभी वो टायर चोर आकर
आकर हमारे जीप के टायरों को चुरा ले जाता है। ये सब मेरी बदकिस्मती है। उस कपाली का अच्छा वक्त चल रहा है, मेरा टेम खराब है। ये सब सुनकर गजा को सारी बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। ऐसे नेक इंसान के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हें बचा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। यूं सोचा तब गजा तुरंत स्टेशन के अंदर गया और मायानंद से जा मिला और जो कुछ हुआ वो सब उसने मायानंद को बताया। ये सुनकर मायानंद हैरान हो गया। मायानंद, एक काम करो, इस बार जब कपाली तुम्हें फोन करेगा तो मुझे खबर कर देना। तुम अगले दिन हमेशा की तरह पुलिस जीप के टायर निकाल देना, क्योंकि कपाली के आदमी की निगाह तुम पर बनी रहेगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक दिन गजा पुलिस जीप के टायर निकाल रहा था। वहाँ जंगल में कपाली चंदन के लकड़ियों को ट्रक पे चढ़ा रहा था। कपाली ने एक चोर को फोन लगाया और, क्यों भाई, गजा पुलिस जीप के टायर निकाल रहा है ना? वो चोर, हाँ सरदार, वो निकाल रहा है। एसआई भी अब तक स्टेशन से बाहर नहीं आया। तभी कपाली के पीछे खड़ा एसआई मायानंद, मैं खुद आ गया आपके पास, अब टायर निकाल कर तुम क्या करोगे? यू आर अंडर अरेस्ट। कपाली ने मारे डर के हाथ ऊपर कर लिए। यू मायानंद ने कपाली और दूसरे गुंडों को जेल में डाल दिया। मायानंद को पुलिस डिपार्टमेंट ने अवार्ड के साथ साथ रिवार्ड भी दिया। मायानंद ने गजा से चोरी करना छुड़ाया और उसे एक अच्छे धंधे में लगा दिया।